मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97-65-066-495। क्या प्रकरण घड़ा? क्या नहीं, मेरा बच्चा जा रहा था रस्ते से, जब धक्का लगा उसे, मैं गाड़ी पर बैठा था, धक्का लगा, नको मारो, मैं गई भागते भागते गई, बस भैया जान दे गलती हुई कर, हाथ जोड़ को लेकर आ रहा हूँ, मेरे बच्चे उसके हाथ जोड़ दूँ, मैं नहीं सुन रहा, मजे भी मारा, कपड़े फटे मेरे पूरे आंग फट के, और बाद में मंगा वो मेरे बच्चे को, मजे है मेरे बच्चे को पूरा वाद करा सर। छुड़ाने वाले कौन भी नहीं थे, तुम्हारे कपड़े बदलो, पहला तुम्हारे कपड़े बदलो बोले। सोलापुर शहर के जुना बीड़ी घरकुल के पास धनलक्ष्मी नगर में एक वारदात सामने आई है, जो वारदात दिल दहलाने वाली है। फिरोज खाजा साहब शेख, उम्र 26 साल, यह अपने घर धनलक्ष्मी नगर जुनाबीड़ी घरकुल सोलापुर में रात 7:30 बजे के दरमियान खाना खाकर टहलने के लिए घर से बाहर निकले और उसी वक्त टहलते वक्त एक लड़के को उनका गलती से धक्का लगा। इसी दौरान धक्का क्यों मारा ऐसे कहकर प्रकाश मल जी और विनायक दाम जी, घर का पता धनलक्ष्मी नगर आनंद विहार अपार्टमेंट के पीछे जुनाबीड़ी घरकुल सोलापुर, इन दोनों ने और इनके 7 से 8 साथीदारों ने मिलकर फिरोज खाजा साहब शेख को पहले तो थप्पड़ मारा। जैसे ही फिरोज खाजा साहब शेख ने माफी मांगी, फिर भी फिरोज शेख को प्रकाश मल जी उम्र 32 साल और विनायक दामा जी उम्र 30 से 32 साल, इन्होंने दोनों ने और साथ में इनके साथी ने सभी ने मिलकर फिरोज के पीठ पर, पेट पर कोयते से और तलवार से वार किया है, जिसके चलते फिरोज के पेट पर तकरीबन 7 से 10 इंच तक की बड़ी जख्म हुई है और छाती पर भी 5 से 6 इंच तक की बड़ी जख्म हुई है। साथ में पीठ को, पेट को बड़ी गंभीर तरह से मार लगा है। जब इस बात की खबर फिरोज के माँ को लगी तो माँ अपने बच्चे के झगड़े को छुड़ाने के लिए बीच में आने पर इन सभी लोगों ने फिरोज शेख के मां पर भी हमला किया है। इतना ही नहीं कि फिरोज शेख के मां के साथ इन्होंने बदतमीजी करते हुए उनके कपड़े भी फाड़े हैं, ऐसा फिरोज शेख के मां का कहना है। इसकी खबर पुलिस को देने पर MIDC पुलिस थाने की ओर से अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल कर गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। फिलहाल फिरोज पर सोलापुर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस वारदात पर फिरोज की मां ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए यह वीडियो। क्या प्रकरण घड़ा? क्या नहीं, मेरा बच्चा जा रहा था रस्ते से, जब धक्का लगा उसे, मैं गाड़ी पर बैठा था, धक्का लगा, नको मारो, मैं गई भागते भागते गई, बस भैया जान दे गलती हुई कर, वो हाथ जोड़ को लेकर आ रहा हूँ, मेरे बच्चे को उसके हाथ जोड़ दूँ, मैं नहीं सुन रहा, मजे भी मारा, कपड़े फटे मेरे पूरे आंग फट के, और बाद में मंगा वो मेरे बच्चे को, मजे है मेरे बच्चे को पूरा वार करा सर। कैसे मारा? पैदे से चाकू से मारा। कहाँ वार हुआ? घर पास, यहाँ धनलक्ष्मी नगर में, पूरा पेट को ऐसा पूरा वार हुआ। कितने लोग मारे? 20-25 जने थे, दोनों जने माँ बच्चे थे। छुड़ाने वाले कौन भी नहीं थे? कौन भी नहीं थे, तुम्हारे कपड़े बदलो, पहला तुम्हारे कपड़े बदलो बोले। कपड़े किसके फटे? मेरे फटे। तुमको कौन कौन मारे? वो दामची मारा, प्रकाश और चार जने, उनके 3-4 जने बाहर के मंगाया था, बहुत मंगाया था। हथियार कितने लोगों के पास थे? 2-3 जने पास था। हाँ, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? फिरोज पटेल। फिरोज पटेल, क्या उम्र है? 25 है 25-26। हाँ, कहाँ वार हुआ उसको? छाती को, यहाँ पूरे फसलिया को, पेट को। कितने वार हुए? एक पूरा वार हुआ सर। कितने बजे हुआ ये? ईशा के बाद, ईशा 8:30 बजे, आज रात में। फिर तुमको मारते वक्त कौन लेडीज वगैरह छुड़ाने नहीं है? सब जाने से कौन आए नहीं बीच में, गली के लोग भी नहीं है छुड़ाने? नहीं आए, कौन भी गली के लोग नहीं आए, कौन नहीं है। हाँ, अभी पुलिस कंप्लेन किया तुम? हाँ कर दी सर, करके। क्या बोली पुलिस? पुलिस प्रशासन सिविल को जाओ बोले। हाँ, MLC दाखिल करे। अभी क्या मांगनी है तुम्हारी पुलिस प्रशासन से? क्या हमारे बच्चे का ऐसा करे, नुकसान हुआ हमारा, सजा लगन दे उसे, औरत को मारे, पूरे कपड़े फटे मेरे, और काम में कैसा दिखू मैं ये सब लोग। तुमको भी लड़के से मारे? हाँ, लड़के से मारे, पूरे पेटा में मारे, लाता डाले मेरे बच्चे को, नको मारू कर, मैं लेकर आ दे तो भी मजे भी मारे।